नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज बीजेपी कैंडिडेट तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनके इस नामांकन सभा में आरजेडी की विधायक संगीता देवी भी पहुंची हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मोहनिया से राजद की विधायक संगीता देवी का है। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में एससी के लिए सुरक्षित सीट मोहनिया से राजद की उम्मीदवार थी और लगभग 12,000 वोटों से उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। और आज उपचुनाव के लिए जब नामांकन का पर्चा भरना था तरारी की सीट पर, तो विशाल प्रशांत जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनके समर्थन में संगीता देवी भी वहां पर पहुंची हैं। ये तमाम तस्वीरें सब कुछ बयां कर रहा है। आपको मालूम होगा कि 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उस दौरान बिहार में महागठबंधन की सरकार चली। लेकिन इसी वर्ष फरवरी के महीने में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ चले आए। कई विधायकों ने उनका साथ फ्लोर टेस्ट के दौरान छोड़ दिया। लेकिन उसके ठीक एक महीने के बाद जो राजद की विधायक हैं संगीता देवी, वो और चेनारी से जो कांग्रेस के विधायक थे मुरारी गौतम, दोनों ने राजद को अपना समर्थन नहीं दिया और बीजेपी को समर्थन देने की बात कह दी थी। और फरवरी के आखिरी महीने में ही उन्होंने बीजेपी यानी एनडीए को, नीतीश सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो विधायक हैं मुरारी गौतम हो या फिर संगीता देवी हो, ये लोग बीजेपी के विधायक नहीं हैं। अभी भी विधानसभा के कागजों पर मुरारी गौतम कांग्रेस के विधायक हैं, तो संगीता देवी राजद की विधायक हैं, भले ही इन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया हो। और आज जब तरारी विधानसभा की सीट पर नामांकन का पर्चा भरा सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने, तो उस दौरान मोहनिया की विधायक राजद की संगीता देवी भी वहां पर पहुंची। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो मंच पर तमाम नेताओं के साथ बैठे नज़र आ रही हैं। और इसके बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी इस बात को साझा किया है और तरारी की सीट विशाल प्रशांत को जिताने की बात कही है। तो एक बड़ी यहां पर तस्वीर तरारी की सीट पर देखने को मिली है, राजद की जो विधायक हैं मोहनिया से संगीता देवी, जो कि कुछ समय पहले तक तेजस्वी यादव के लिए मुखर होकर बोला करती थी, अब वो एनडीए के पक्ष में है। और इस उपचुनाव में उन्होंने तरारी की सीट पर जो एनडीए कैंडिडेट हैं उनको जिताने की बात कही है और खुद नामांकन में पहुंची भी हैं। देखिए तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सम्राट चौधरी और इसके अलावा जो एनडीए के अन्य तमाम नेता हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं और संगीता देवी भी आपको नज़र आएंगी, तो तेजस्वी यादव को इस बार काफ़ी झटका जरूर लगा है। अब उपचुनाव जो 4 सीटों पर हो रहे हैं उसमें देखना होगा कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस उनका होता है, क्योंकि 3 सीटें जो हैं वो INDIA गठबंधन की हैं और उन तीनों सीटों पर जीतने की चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन इस बार उनके कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है और विरोधी खेमे को जिताने के लिए अपनी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी में एक हैं मोहनिया से राजद की विधायक संगीता देवी। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।